बीजेपी की सबसे युवा महिला नेता स्वाति यादव को आखिर कौन लिख रहा है गालियां और क्या है इसकी वजह। स्वाति भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं और वर्तमान में वो बीजेपी में हैं। उन्हें अटेली से बीजेपी की टिकट तो हालांकि नहीं मिली, लेकिन वो पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए लगातार काम कर रही है। बता दें कि स्वाति ने हाल ही में हरियाणा पुलिस साइबर सेल और हरियाणा महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई लगातार अलग अलग नंबरों से फोन कर उन्हें अब्यूज कर रहा है। स्वाति के शिकायत दर्ज कराने के बाद साइबर सेल ने तुरंत एक्शन लिया और हरियाणा महिला आयोग भी सक्रिय हो गया। स्वाति को परेशान कर रहे इस शख्स की पहचान हो गई है। उसका नाम आशीष राणा बताया जा रहा है, जो सोनीपत का रहने वाला है और अपने आप को जेजेपी का समर्थक बताता है। स्वाति कहती है कि जब से वे जेजेपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई है, तब से जेजेपी के कई कार्यकर्ता लगातार उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। स्वाति ने साइबर सेल और महिला आयोग के एक्शन के बाद उन्हें धन्यवाद देते हुए एक वीडियो अपने फेसबुक पेज पर जारी किया, जिसमें उन्होंने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि चुपचाप किसी भी दिक्कत को ना सहे, अपनी आवाज को बुलंद करे। देखिए उनका ये वीडियो। नमस्कार, जो वीडियो मैंने मॉर्निंग में बनाई थी उसी के बारे में आपको एक अपडेट देना चाहूंगी। जो व्यक्ति मुझे सुबह से परेशान कर रहा था, अश्लील प्रकार के मैसेजेस और कॉल्स कर रहा था, उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उसकी लोकेशन को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साइबर क्राइम सेल का, हरियाणा महिला आयोग का। देखिए, आज मैंने एक आम व्यक्ति की तरह, एक आम महिला की तरह मॉर्निंग में साइबर क्राइम के पोर्टल पे जाकर एक कंप्लेन को फाइल किया और इस चीज से मैं चाहूंगी कि जितनी भी बहनें, जितनी भी माताएं या मुझसे छोटी बहनें मेरी बात सुन रही हैं, वो सब इस बात से एक सीख लें कि अगर हम आवाज उठाएंगे, अगर हम अपने हक की लड़ाई को लड़ेंगे तो हमें न्याय जरूर मिलेगा। देखिए, आज जो मैंने कंप्लेन करी, मैंने एक आम व्यक्ति की तरह कंप्लेन की, मैंने किसी डीसीपी या एसपी को फोन नहीं किया। और मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि ऑनलाइन ट्रोलिंग या साइबर क्राइम आज एक मजाक की बात नहीं है, इसे मजाक की तरह ना लें और अपनी आवाज को उठाने का काम करें। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर तहलका। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।